अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि वो मेरी वीडियोस सबसे पहले देख सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने अपने चैनल का नेम चेंज कर लिया है। पहले मेरे चैनल का नेम था सिंपल रेमेडीज़ रबिया, और अब मैंने अपने चैनल का नेम जो है वो रखा है रेमेडीज़ विद रबिया। और आज मैं आपको रिव्यू देने जा रही हूँ हुदा ब्यूटी डेजर्ट डस्ट पैलेट का। तो ये मैंने ओपन करके रख लिया था क्योंकि फिर बीच में जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है मुझे। ये इस तरह से जो है वो ये गत्ते का है, ये बॉक्स इस तरह से कुछ दिखता है। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर किया था हुदा ब्यूटी का न्यूड पैलेट और वो भी काफ़ी पसंद आया था। और उसके जो है वो मैं आपको बता दूं कि उसके शेड्स भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे शेड्स थे। और इसके साथ अब मैं आपके लिए जो है वो लेकर आई हूँ हुदा ब्यूटी का डेजर्ट डस्ट पैलेट। तो ये ओपन मैं कर चुकी हूँ और ये मैं आपको दिखा दूँ, ये कुछ इस तरह का अंदर से दिखता है। और ये हार्ड बोर्ड जो होते हैं ना आजकल पैलेट्स जो हैं वो इसी तरह से आ रहे हैं, तो ये हार्ड बोर्ड का है। इसका बैग है, इन्होंने इसमें इंग्रेडिएंट वगैरह सब मेंशन किए हैं। होपफुली आपको नज़र शायद ही आ रहे हों, मे बी शायद आ तो रहे होंगे। तो इसमें जो है इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब इसके ऐड हैं, मेंशन है। और यहाँ पे जो है मैं आपको दिखा दूँ, अब इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। थोड़े से मैंने स्वचेस कर लिए थे बट मैं और आपको दिखा दूँगी। तो ये इस तरह से इसमें ये आ गया, ओपन हो गया। और ये इसके खूबसूरत से शेड्स आपको यहाँ पे मैं शो करा रही हूँ। इसके टोटल 18 शेड्स हैं। और मजे की बात ये है कि इन्होंने शिमरी शेड्स के साथ जो है आपको मैच शेड्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। मतलब काफ़ी सारे जो लोग होते हैं उनको शिमर पसंद नहीं होता, या काफ़ी सारे लोगों को पसंद भी होता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ज़रूरी है कि आपको शिमर या ग्लिटर शेड के साथ जो है मैट शेड भी मिले ताकि आपको ब्लेंड करने में बहुत इजी रहे। क्योंकि ये शिमरी शेड्स होते हैं, ग्लिटर शेड्स होते हैं, इनको मैट शेड के साथ हम जब ब्लेंड करते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत सा टेक्सचर आपको देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ शेड्स जो है वो मैं स्वाइच करके दिखाऊंगी जो कि मैंने थोड़े बहुत कर लिए थे, देख सकते हैं आप। लेकिन मैं दोबारा करके दिखाऊंगी, इनको मैं साफ कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ ब्लड मून। और ये मैंने कोई बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, बहुत थोड़ा सा इस तरह से लिया है और मैं यहाँ पे आपको शो करा रही हूँ। होपफुली दिख रहा हो आपको सही से। और नेक्स्ट है रॉयल, बहुत ही पिगमेंटेड है। और एक थोड़ा सा लाइट शेड भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये एंजेलिक ले लेते हैं, ये वाला शेड एंजेलिक, थोड़ा सा खूबसूरत सा शेड है, पिंकिश सा कह लें या पिंकिश टाइप का कह लें आप। तो इस तरह से तो अच्छे शेड्स हैं और पिगमेंटेड भी हैं। ये नहीं है कि बहुत ही लाइट हैं या आपको जो है वो, अमूमन यही होता है कि शेड्स इतने लाइट होते हैं कि डार्क भी होते हैं तो वो लग नहीं रहे होते हैं। लेकिन यह है कि इसके शेड्स काफ़ी अच्छे हैं। और इसका जो है, अच्छा मैं परचेज़ की बात कर लूँ कि आप कहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं, तो मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर जो है शेयर कर दूँगी आपके साथ डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप ईज़िली इसको परचेज़ कर सकते हैं। और काफ़ी फास्ट सर्विस है, ये भी नहीं कि आपको टाइम लगेगा पहुंचने में, बहुत जल्दी इनका जो है वो पैकेज पहुंच जाता है, पार्सल पहुंच जाता है और चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं, तो आप ये बाय कर सकते हैं। तो अब मैं आपको आपके साथ
होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और अच्छी अच्छी न्यू वीडियोज़ बनाऊँ और प्रोडक्ट के रिव्यू दूँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मेरे इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।